अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर टू की जो ग्रामर की एक्सरसाइज है बेटा, हम लोगों ने वो सॉल्व करनी है। द थिंग इज के बेटा, ग्रामर की एक्सरसाइज हमारे पास और ऊपर मौजूद हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। दरअसल 2.2 पे, 2.3 पे हमारे पास एक्सरसाइज आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों 2.3 की सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4। ऊपर वाली करेंगे, फिक्र नहीं करो, 1, 2, 3 भी करेंगे, आप परेशान मत हो। लेकिन हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक सबसे पहले लिखा हुआ है ये वाला, जो तमाम की तमाम जो सफिक्सिक्स की एक्सरसाइज है वो करनी है। अब मेरे बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिक्स? सफिक्स का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? बताओ, सफिक्स का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर किसी को आंसर बताया तो बेटा बेशक वो हैंड रेस करके आ जाए। अगर किसी को आंसर पता है तो बेटा बेशक वो हैंड रेस करके आंसर दे सकता है मुझको माइक पर आकर। ओके हाँ मेरा बच्चा साहब, ये बताओ क्या मतलब होता है बेटा? सर, किसी वर्ड के आगे एक दूसरा वर्ड लगा के कोई न्यू वर्ड जो बन जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। शाबाश, सफिक्स इसे बोलते हैं, मतलब कि जो न्यू वर्ड आगे लगता है उसे बोलते हैं, या पूरा जब बन जाए तब बोलते हैं, किसे बोलते हैं सफिक्स? नहीं, जो आगे वर्ड लगता है उसे बोलते हैं। शाबाश, गुड गुड गुड, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। अब देखो भाई, हमारे पास हमने क्या कहा कि देखो बेटा, हमारे पास जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि सक्सेस क्या मतलब है इस बात का, बताओ सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस का क्या मतलब है? कामयाबी, क्या मतलब है हमारे पास? कामयाबी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आगे लगा दूं फुल, FUL, सक्सेसफुल, तो ये अलग वर्ड बन गया ना। अब जरा ये जो FUL है ना, ये है सफिक्स, कि इसके लगने से एक अलग वर्ड बन रहा है। क्या मुझे तुम लोग फुल के साथ, FUL के साथ कोई और वर्ड्स बता सकते हो? एक एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूं, अभी हम दूसरा करेंगे। बताओ ब्यूटीफुल, ओके शाबाश, और बताओ भाई कलरफुल, पेनफुल, शाबाश, जबरदस्त। अरे सारे के सारे आज फॉर्म में हैं भाई, सब के सब फॉर्म में चल रहे हैं, लड़कों के भी आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह से। और बताओ भाई, मेरा मतलब तुम लोगों का आइडिया हो चुका होगा। केयरफुल, शाबाश, बिल्कुल तो बहुत जबरदस्त, ठीक है, एक आइडिया हो गया। तो फुल क्या सफिक्स है मेरे बच्चों? अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है, जरा ध्यान से सुनो जरा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग एक्सरसाइज विद नाउंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ड सफिक्स मेंट। कह रहे हैं कि आपको जो सफिक्स दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है मेंट, मतलब कि आपने इसे यूज करना है। और आपने किसके आगे यूज करना है? ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके आगे यूज करना है। और जब इनके आगे ये मेंट यूज करोगे तो उसके बाद जो वर्ड बनेगा वो आप लोगों ने उसके मुताबिक, जोन सा वर्ड जहां पर आएगा आपने उसके मुताबिक करना है, सेंटेंस पढ़ के करना। जैसे कि देखो क्या लिखा हुआ है, एज सून एज द डैश वॉज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम। तो यहां पर तो हमारे पास ये पहले से सॉल्व हुआ हुआ है कि यहां पर आएगा जजमेंट। अब आप लोगों ने मेंट और के आगे लगाने, तो जरा देख लो, ये बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट, ये बन जाएगा मैनेजमेंट, ये बन जाएगा पेमेंट, ये बन जाएगा रिटायरमेंट, ये बन जाएगा जजमेंट, ठीक है। तो मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को टोटल दे रहा हूं 5 मिनट्स, सॉल्व करो सारे के सारे, शाबाश। वैसे 5 मिनट्स बहुत ज्यादा दे दिए, बट स्टिल 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं अभी से आंसर नहीं पूछ रहा, पहले बोल रहा हूं, ठीक है। और रवाहा बेटा, बात सुनो जरा, जल्दबाजी नहीं करो बेटा, अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो ना तो वो वाला छोड़ दिया करो। सबसे पहले वो करो जिसमें बिल्कुल कंफर्म हो के आया, ये पक्का है, ये तो पक्का पक्का यही है, ठीक है। क्योंकि बेटा जो आपने अभी आंसर बताया है ना 2 का, वो गलत आंसर बताया आपने। शाबाश बेटा, हानिया और जहाविया बेटा, मेरे बच्चों, अरे मेरी चीतियां हैं भाई, दोनों की दोनों जबरदस्त माशाल्लाह। जो कंफर्म हो रहा है ना पहले वो करो, उसके बाद रिमेनिंग किया करो, ठीक है। जल्दी करो बेटा, हमने अभी एक्सरसाइज बी भी सॉल्व करनी है, सी भी सॉल्व करनी है, ठीक है।
अरे मुझे आंसर नहीं बताओ अभी, रुक जाओ, मैं खुद बताऊंगा तुम लोगों को आंसर, ठीक है? रुक जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अभी 4 मिनट्स रिमेनिंग, 4 मिनट्स रिमेनिंग, क्योंकि आज हमने बेसिकली ग्रामर की एक्सरसाइज करनी है ताकि तुम लोगों को तमीज से समझा सकूं भाई क्या होगा। जल्दी करो। और जहाबिया और हानिया, या अगर जो बच्चे करके बैठ चुके हो मेरे बच्चों, अगर आप लोग एक्सरसाइज 4 में ए लिखा हुआ है, आपने ये वाला सॉल्व कर लिया है, तो एक्सरसाइज 4 का बी देख लो और सी देख लो। अगर कर सकते हो तो बेटा कर लो, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करो, आई थिंक कर लोगे आप लोग आराम से। लेकिन जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना, और जब मैं आंसर बता रहा हूंगा तो सुन लेना मेरी बात, ठीक है? उस वक्त रुक जाना। बात समझ में आ गई? कर लो। भाई जो जो एक्सरसाइज सॉल्व कर लो मुझे बता देना। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का मैसेज आया कि वो सॉल्व कर चुके हैं, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास। सिर्फ 3 बच्चों का मैसेज आया कि वो ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4 की जो ए है। रहा का भी आ गया, ओके, 4 का आ गया, 5 का आ गया, रिमशा का भी आ गया। भाई शाबाश, 5 बच्चों का मैसेज आ चुका है हमारे पास। छठे का भी आ गया भाई, शाबाश। मैं अभी जो भी तुम लोग आंसर लिख के भेज रहा हूँ, ओके, गुड बेटा, गुड 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 साहब, ये बेटा शाबाश। 7 का आ गया, बस एक और रिमेनिंग है, किसी एक बच्चे का नहीं आया मेरे ख्याल से। कोई एक बच्चा है जिसका मैसेज नहीं आया अभी तक मेरे ख्याल से, कौन है भाई वो? परवेज का नहीं आया मेरे ख्याल से। परवेज बेटा कहाँ रह गए थे? चलो मेरे बच्चों ने जरा जल्दी सॉल्व कर लिया, जरा ये देखो मैं आंसर बता रहा हूँ सारे के सारे, देखो ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा मिसाल के तौर पे, अब अगर हम बात करते हैं ए वाला, तो 1 वाला तो सॉल्व हुआ हुआ है, मुझे बताओ 2 का आंसर क्या है? जाबिया और हानिया रुक जाओ जरा, अभी पहले यहाँ पर आओ, पहले आंसर दो मुझको। 2 वाले का आंसर क्या है भाई? मेरे बच्चों 2 वाले का आंसर है ट्रीटमेंट, ठीक है? 2 वाले का आंसर क्या है? ट्रीटमेंट आंसर है, ओके शाबाश। अब 3 वाले के, क्योंकि देखो पहले पढ़ो, पहले पहले सेंटेंस पढ़ लो ना, जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज ट्रीटमेंट, के मतलब भाई वो क्या था, वो अपने ट्रीटमेंट के बाद दोबारा काम पर आ गया। अगर 3 की बात करें, द को वर्कर रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे, तो क्या आएगा हमारे पास 3rd वाले में? पेमेंट आएगा, ओके शाबाश। के जो वर्कर्स हैं वो अपनी हफ्ते की जो पेमेंट होती है वो हफ्ते को मिलती है। 4th है, माई सन इज लुकिंग फॉर डैश एज ही लॉस हिज जॉब लास्ट वीक, तो मेरे बच्चों ये तो आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं रिमशा बेटा, गलत आंसर किया आपने। अगर उसकी जॉब चली गई है तो बेटा वो क्या ढूंढेगा? वो ढूंढेगा एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट आएगा। 5th है, आफ्टर हिज डैश एट द एज ऑफ 60 ही हैज डिसाइडेड टू राइट अ बुक, हाँ भाई ये तो आसान है यार, रिटायरमेंट, शाबाश, गुड। और 6 पर आ जाओ, 6 है, द डैश ऑफ द स्कूल अनाउंस देयर न्यू एडमिशन, ठीक है, पॉलिसी यस्टरडे, तो ये आएगा मैनेजमेंट। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, जबरदस्त, सही चल रहे हो बेटा। अब जरा नेक्स्ट पर आओ बेटा, अभी जरा सॉल्व सारे करते रहना, देखिए 1 मिनट आ जाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो यहां पर भी सफिक्स ही आ रहा है, लेकिन देखो सफिक्स क्या है, नेस है, तो बन जाएगा इलनेस, बोल्डनेस, नीटनेस, काइंडनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है? जिसका मतलब ना समझ में आ रहा हो पूछ लेना। इसी तरह से सी में भी क्या है, सी में भी सफिक्स ही है, लेकिन हमारे पास एक, ये जरा सुन लो, ये सारे के सारे सुन लो, सी का जो सफिक्स है वो है AL, L, ठीक है? तो देखो साइन बन जाएगा सिग्नल, सर्वाइव बन जाएगा, अब जरा सुनो ध्यान से, सर्वाइव में अगर आप AL लगाओगे तो मेरे बच्चों याद रखना सर्वाइव का ई हटाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? सर्वाइवल बनेगा, इस बात का ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बच्चों वाली हरकतें नहीं करना, पहले बोल रहा हूं। और इसी तरह से देखो जरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अप्रूवल, ये बन जाएगा प्रोपोजल, ये बन जाएगा रिमूवल, मतलब कि सर्वाइव का ई हटेगा, अप्रूवल
अप्रूव का ई हटेगा, प्रपोज का ई हटेगा और रिमूव का ई हटेगा। तो इसके मुताबिक मेरे बच्चों जरा सारे के सारे सॉल्व करो। ये करने के लिए चलो तुम 5 मिनट्स ले लो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे बच्चों अलग अलग करने की स्पीड है। और अगर आप लोग बी और सी कर लो तो बेटा मुझे बता देना बी डन और सी डन दोनों बता देना मुझे, ठीक है? दोनों एक्सरसाइज अगर करके बैठ जाओ तो मुझे बता देना। अगर जल्दी कर लो कि मेरे बच्चों में जल्दी आंसर सैली करवा दूंगा आप लोगों को। हानिया बेटा शाबाश, जबरदस्त। ये देखो ये फायदा होता है ऑनलाइन क्लास का, ठीक है ना? तुम बात कर रही हो किसी से, आराम से सॉल्व हो रहे हैं, जल्दी जल्दी काम हो रहा है। देखो कैसा जाविया, शाबाश बेटा। रिमशा बेटा ये हमारे पास है, हम लोग सफिक्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। सफिक्स का मतलब ये कि आपको एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है नेस, आपने इस नेस को इन गिवन वर्ड्स के आगे लगाना है तो एक अलग वर्ड बन जाएगा। जैसे कि नेस अगर इल के आगे लगाएंगे बन जाएगा इलनेस, ये बन जाएगा बोल्डनेस, ये बन जाएगा नीटनेस, ये बन जाएगा काइंडनेस, ये बन जाएगा सॉफ्टनेस। अब ये जो वर्ड्स बनेंगे, इन वर्ड्स को बनने के बाद आप नीचे दी हुई ब्लैंक्स में फिल करोगे। और ये हमारे पास बेटा जो काम की शुरुआत हुई है वो पेज 38 से यहाँ से शुरू हुई है, एक्सरसाइज 4 के ए से शुरू हुई है हमारे पास। सेट है, शुरू हो जाओ बेटा। 5 मिनट्स दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं अगर कैमरा ऑफ कर रहा हूँ परेशान मत होना, यहीं पर हूँ मैं, ठीक है? जल्दी करो, उसके बाद फिर हम आपको ऊपर वाली एक्सरसाइज करवाएंगे सारी की सारी। थोड़ा समझाने का काम है ये, जरा थोड़ा ज्यादा मजेदार काम था तो ये हमने पहले करवा लिया आप लोगों को, ठीक है? अब जरा थोड़ा सफर करो, 5 मिनट्स दे रहा हूँ, जल्दी कर लो। अच्छा चलो, जो बच्चे कर चुके हो ना तो मुझे काम करो, जरा मुझे आंसर्स भेजो। पहले लिखो बी, फिर मुझे आंसर सेंड करो कि बी के 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, 5 का ये है। जो जो बी और सी दोनों कर चुका है बेटा मुझे आंसर्स भेजो जरा, फिर मैं देखता हूँ तुम लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया, जरा क्या गोल खिलाए। जरा सारे बच्चे करो जरा मुझे शाबाश, जल्दी। फोर मिनट्स रिमेनिंग बेटा। जहाबिया बेटा मेरा बच्चा 1 एक एक करके सेंड नहीं करो, वरना वो मिक्सअप हो जाएगा, बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है? जहाबिया एक बात बताओ बेटा, आप क्लास किस पे ले रहे हो, लैपटॉप पे ले रहे हो बेटा? पहले ये बताओ जरा, लैपटॉप पे ले रहे हो मोबाइल पे ले रहे हो बेटा? ओके, तो बेटा फिर एक काम करो, पूरा बी के सारे आंसर एक साथ भेजो बेटा, सही है?
टू मिनट्स रिमेनिंग बेटा, उसके बाद मैं जरा बी और सी के आंसर बता रहा हूँ। टू मिनट्स रिमेनिंग, वन मिनट। चलो मेरे बच्चों जरा सारे के सारे आंसर देखो सब बच्चे हमारे पास। एक मिनट रुको, हमारे पास बी के आंसर जरा चेक करो। इसमें आएगा हर वीकनेस, सॉरी हर इलनेस हैज मेड हर वीक, ठीक है। फिर है आई लव द सॉफ्टनेस, आंसर चेक कर लो जिन्होंने कर लिया। अब रुक जाओ, अब टाइप मत करो, रुक जाओ जरा। वन में आएगा इलनेस, फिर आएगा आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ आवर न्यू सोफा, फिर आएगा आवर नेवर सन हु इज अ सोल्जर फॉर द एनिमी विद बोल्डनेस, फिर आएगा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरीवन विद काइंडनेस, फिर आएगा माय मदर टॉट अस नीटनेस इन ऑल आवर वर्क, ठीक है मेरे बच्चों। अब जरा सी वाले पर आओ, यहाँ पर हमने करना है द डैश ऑफ द ग्रीन टर्टल इज इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस, तो बेटा इसमें आएगा सर्वाइवल, ठीक। आवर डैश फॉर सेटिंग अप अ डिस्पेंसरी वॉज एक्सेप्टेड बाय द मिनिस्टर, तो यहाँ पर आएगा बताओ क्या। बताओ जरा टू का आंसर, सी के टू का आंसर क्या लिखा है, बताओ जरा बेटा सी के टू का आंसर क्या लिखा है। सब बच्चों को बोल रहा हूं जरा, मैं सारे बच्चे जरा मुझे आंसर दो चैट पर। सी के टू का आंसर क्या आया है बताओ। नहीं नहीं एक 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 आंसर मेरा बच्चा, एक हानिया एक आंसर बताओ, सिर्फ सी का टू बोल रहा हूं बेटा। जहाबिया तुमने क्या किया बेटा, सी का जो टू वाला है उसका आंसर क्या लिखा बेटा आपने। जहाबिया बेटा टू वाले का आंसर है प्रपोजल, कुछ लोगों ने लिखा है अप्रूवल, अप्रूवल नहीं आएगा, प्रपोजल आएगा बेटा इसमें, ठीक है। प्रपोजल का मतलब होता है जो आप पूरा एक बना के लेके आते हो ऑफर के तौर पे, आइडिया के तौर पे कि आप प्रपोज कर रहे हो, ठीक है, प्रपोजल दे रहे हो आप, ठीक है। सेकेंड वाले में प्रपोजल आएगा, याद रखना ये बात, ओके। अब आओ जरा थर्ड वाले पर, द डैश ऑफ द गार्बेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आएगा क्या, रिमूवल, ठीक है। फोर्थ है द ट्रेन मूव्ड आउट ऑफ स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द सिग्नल, यहाँ सिग्नल आएगा। फिर आएगा आई नीडिड माई पेरेंट्स, इसमें आएगा अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है परमिशन, ठीक है। तो मेरे बच्चों पेरेंट्स की परमिशन मिलेगी, ओके मेरे बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने यहां तक कर लिया हो। अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कि हम लोगों ने ए में सॉल्व किए 6 और इसमें किए 5, इसमें किए 5, बताओ जरा टोटल मिला के आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। सब बच्चों को बोल रहा हूँ अगर एक भी मिस्टेक नहीं आई तो वो भी बताओ कि नो मिस्टेक या जीरो मिस्टेक्स, शाबाश। सब बच्चों को बोल रहा हूँ मैं,
जल्दी 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 मेरे बच्चों जल्दी, अरे जल्दी करो भाई। ओके, अब जरा एक काम करो, मैं सब बच्चों के जरा माइक जो है ना ऑन कर, माइक को ऑन करने की परमिशन दे रहा हूँ एक बजाय, क्योंकि मैंने ये समझाना है, ठीक है? सब बच्चे जरा अपना माइक ऑन कर लो, और अगर कोई शोर में बैठा हुआ है तो जरा थोड़ा सही जगह पे उठ के चले जाओ, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज समझानी है, फिर सॉल्व हम खुद करेंगे। शोर शराबा नहीं करना, सब बच्चे अपना माइक ऑन कर सकते हो बेटा, मैंने आपको अलाउ कर दिया है। सब बच्चे माइक ऑन कर लो अपना, सब बच्चे अपना माइक ऑन कर लो, सारे के सारे माइक ऑन करो बेटा अपना। अब बेटा जरा अगर किसी के पीछे अगर शोर हो रहा हो बेटा, तो खुद ही आप ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है? मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, लेकिन जरा मैं समझा रहा हूँ। अब देखो मैं समझा रहा हूँ, समझो बेटा। आप आ जाओ, आप आइए पेज नंबर ये वाला पेज 35 पर आओ बेटा। सारे के सारे हमने एक्सरसाइज 1 2 वगैरह सारी सॉल्व करनी है, जरा समझो। अब देखो लिखा हुआ है, द मॉडल स्कैन कोड मे माइट शेल शुड विल वुड एंड वुड। ये हमारे पास क्या है, ये मॉडल्स हैं, ठीक है? कैन कोड मे माइट शेल शुड विल वुड। इसके आगे हमारे पास हम जो है बेटा वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की हमेशा क्या लगती है, अगर आप लिखना चाहो तो अपनी आप बुक में लिख सकते हो कि इन सब के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लस करके V1 लिख दो, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा इनके आगे। मतलब अगर सिर्फ विल है, अब देखो मिसाल के तौर पे सिर्फ कैन है, तो कैन सिर्फ सिर्फ कैन है, ठीक है? अगर सिर्फ कुड है, अगर कुड के साथ हैव आ रहा है तो एक अलग बात है, हम कुड हैव की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कुड की बात कर रहे हैं, माइट की बात कर रहे हैं, शेल शुड, मतलब कि इनके साथ अगर एक और कोई चीज लग गई फिर एक अलग सीन है, वरना इनके आगे सिर्फ और सिर्फ अगर ये सिंगुलर लिखे हैं तो सिर्फ फर्स्ट आपके पास फॉर्म आती है। अब क्या लिखा हुआ है, मॉडल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस फंक्शन लाइक टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, आस्किंग परमिशन, मेकिंग रिक्वेस्ट, गिविंग सजेशन एटसेट्रा। हियर वी विल लर्न अबाउट यूजिंग द मॉडल स्कैन कोड मे फॉर एबिलिटी एंड परमिशन। कह रहे हैं कि हमारे पास मॉडल्स हम यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए, जैसे कि हम एबिलिटी मतलब सलाहियत बताने के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, कोई सजेस्ट देना हो, सजेशन देना हो उसके लिए करते हैं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे तीन के बारे में भी, कैन कुड और मे के बारे में, और इन तीन के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, एक पढ़ेंगे एबिलिटी और एक पढ़ेंगे इनकी परमिशन से। अब जैसे कि मेरे बच्चों एबिलिटी का लिखा हुआ है, वी कैन यूज कैन टू टॉक अबाउट समवन स्किल और जनरल एबिलिटीज टू अ गिवन टाइम इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या बोल रहे हैं कि कैन यूज करते हैं हम किसके लिए, अभी एबिलिटी के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, या सब बच्चों ने क्योंकि अपना माइक ऑफ कर दिया है, तो बेटा मैं सब, बस सिर्फ जहाबिया का खुला हुआ है तो मैं फिर सबको ही ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? मस्ता नहीं, सबको ही ऑफ कर देता हूँ, सब बच्चों ने ऑफ किया तो बेटा मैं सबको ही ऑफ कर देता हूँ। अब जरा सुनो, जहाबिया क्या हो गया था बेटा आखिर में, पहले ऑफ करते हैं उसके बाद बोलते हैं, ठीक है? जाबिया मेरा बच्चा, पहले ऑफ करते हैं उसके बाद बोलते हैं, ठीक है? अच्छा अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा ही कैन स्विम लाइक अ फिश, मतलब वो मछली की तरह तैर सकता है, आप उसकी सलाहियत बता रहे हो। ही कांट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, मतलब वो पंजाबी इतनी अच्छी नहीं बोल सकता, नेगेटिव में आ रहा है कांट। और यू कान यू यू कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, कहने कैन एबिल, यहाँ देखो हमने कैन यूज किया एबिलिटी के लिए, कुड भी एबिलिटी के लिए ही आता है, लेकिन अगर एबिलिटी की बात की जा रही है तो बेटा ये आता है किस चीज के लिए, पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए आता है, कि पास्ट में जो एबिलिटी थी। जैसे कि मुस्तफा बेटा आपने हैंड रेस किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? ठीक है, आपने बाय मिस्टेक कर दिया। ओके, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, मतलब वो बहुत सारी जबानें बोल सकती थी। और लिखा हुआ है, दे कुडंट राइट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा नहीं लिख सकते थे। अब यहाँ पर आओ क्या लिखा हुआ है, जरा सुनो, फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ सुइटेबल मॉडल वर्ब्स कैन कोड। देखो हमें क्या बताया गया है कि आप कैन भी यूज कर सकते हो और कुड भी यूज कर सकते हो, चाहो तो इनकी नेगेटिव फॉर्म यूज कर लो, मतलब कि कांट यूज कर लो और कुडंट यूज कर लो। देखो मेरे बच्चों ये लिखा हुआ भी है,
नेगेटिव फॉर्म क्या लिखी हुई, देखो लिखी हुई कांट और लिखी हुई कुडंट। अगर आप चाहो तो आप कैन नॉट, कुडंट, कुड नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इसी तरह अपोस्ट्रोफी के साथ यूज करना। मैंने क्या कहा है, अभी हम एबिलिटी की बात करें, परमिशन की बात नहीं कर रहे, तो अभी हम सिर्फ एबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या लिखा हम लोगों के पास। बेटा बताओ, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। देखो मेरे बच्चों, पहले से ही आ गया व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बट आई डैश स्विम नाउ। तो मेरे बच्चों बताओ, ए की पहली वाली ब्लैंक में क्या आएगा, बताओ जरा। ए एक्सरसाइज वन में, ए में पहली ब्लैंक में क्या आएगा और दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा? तुम लोगों ने अक्सर, सब बच्चों ने उल्टा बोला, एक बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। अब आंसर आया पहला, अब पहला आंसर आया। अच्छा, हानिया ने क्या दिया? अच्छा, तो तुमने अगर तोड़ तोड़ के दोगे फिर थोड़ी समझ में आएगा हानिया बेटा, ठीक है? अब जरा सुनो, पहले वाले में आएगा कुडंट और इसमें आएगा कैन। देखो भाई, आप बता रहे हो जब मैं बच्चा था तब मैं तैर नहीं सकता था, लेकिन अब मैं तैर सकता हूं। यहां पर आएगा कुडंट, कुड के साथ नेगेटिव लगेगा, इसमें आएगा कैन, बट आई कैन स्विम नाउ, ठीक। अब यहां पर आओ जरा जल्दी से, माय ब्रदर डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 years old, बट ही डैश रन फास्ट नाउ, बताओ इसमें क्या आएगा? एग्जैक्टली, शाबाश बेटा हानिया, बताओ भाई क्या आंसर आएगा? पहले वाले में क्या आएगा और सेकंड वाले में क्या आएगा? रमशा बेटा बताओ, ठीक है? देखो भाई, पहले वाले में आएगा कुडंट, लेकिन अब आएगा कैन, मतलब कि माय ब्रदर कुडंट रन फास्ट, जब वो 5 साल का था वो तेज नहीं भाग सकता था, लेकिन अब वो तेज भाग सकता है, ठीक है? तमीज वाला यही लग रहा है, अगर उल्टा बनाओगे थोड़ा अजीब वगरीब हो जाएगा कि मेरा भाई जब 5 साल का था बहुत तेज भाग सकता था लेकिन अब नहीं भाग सकता, थोड़ा अजीब वगरीब सेंस बन रहा है, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है, माय ब्रदर कुडंट रन फास्ट व्हेन ही वाज 5 बट ही कैन रन फास्ट नाउ। अच्छा देखो, दे डैश कम अर्ली बट दे डैश फाइंड अ बस अर्लियर। ध्यान से बताना साहबिया, गलत आंसर बेटा, ध्यान से बनाओ, ध्यान से। रिमशा का ठीक आंसर है बेटा, शाबाश रिमशा, गुड। सोचो रिमशा बेटा, जी हाँ, पहली वाली ब्लैंक में ये आएगा जो आपने लिखा है। बेटा पहली वाली ब्लैंक में आएगा गुड और सेकंड में आएगा कुडंट, ठीक है? मतलब क्या लिखा हुआ है, दे कुड कम अर्ली, वो पहले आ सकते थे बट दे कुडंट फाइंड अ बस, लेकिन उनको बस नहीं मिल सकी, ठीक है? तो पहले में आएगा कुड, इसमें आएगा कुडंट, इसमें जरूरी नहीं है कि कुड क्या आएगा तो अगले वाले में कैन आएगा, लाजमी नहीं है कि एक में अगर कुड आ रहा है तो दूसरे में कैन आएगा, ये लाजमी नहीं है। देखो इसमें कुड आ गया, इसमें क्या आ गया, कुडंट। अब देखो, नाउडेज सना डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट शी डैश स्पीक सो वेल अ ईयर अगो, बताओ भाई क्या आएगा इसमें, बताओ 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 क्या आएगा इसमें मेरे बच्चों? रमशा शाबाश, और रमशा का हानिया मिस्टेक बेटा, साहबिया मिस्टेक, आपकी मिस्टेक बेटा। चेक करो क्या मिस्टेक करी तुम दोनों ने। अब भी गलत है बेटा। देखो एक बार बताओ, सुनो जरा। Nowadays Sana can speak English fluently, इतना क्लियर है क्या बोल सकती है, लेकिन
बट शी यहां पर आएगा कुडंट. बेटा इसमें आपने नेगेटिव बनाना है. मैंने अभी तो कहा है कि नेगेटिव भी यूज करने हम लोगों ने. नाउडेज सना कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बट शी कुडंट स्पीक सो वेल. लेकिन वो इतने अच्छे नहीं बोल सकती थी. एक साल पहले की बात है. एक साल पहले वो इतना अच्छा नहीं बोल सकती थी. आगे आ जाओ. समीर डैश स्पीक सेवन लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग. मेरे बच्चों देखो बताओ क्या आएगा पहली ब्लैंक में. व्हेन ही वाज पास्ट का आ गया. शाबाश रमशा बेटा गुड. रमशा ने ठीक आंसर दिया है. नहीं नहीं बेटा हानिया जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो. लाजमी नहीं है. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं लिखी मेरा बच्चा. ना ही ये लिखा हुआ है कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट हो. हानिया बेटा कौन से वाले हैं बोल रहे हो. हानिया बेटा मेरा बच्चा जरा माइक पर आओ. जरा माइक पर आओ मेरा बच्चा. माइक पर आ जी सर. मेरा बच्चा जरा देखो. अगर आप बोल रहे हो कि सर इसमें कैन और इसमें कुड आ रहा है ठीक है वो बात सही है. लेकिन मेरा बच्चा एक बात बताओ इसका सेंस जो है ना जरा सेंस समझो. देखो हम बोल रहे हैं कि आजकल जो है ना सना बहुत ही आला इंग्लिश बोल रही है बहुत फ्लुएंटली मतलब बिल्कुल भी नहीं अटकती. लेकिन एक साल पहले वो इतना अच्छा नहीं बोल सकती थी. ये सेंस बन सकती है कि उसको इंग्लिश पहले अच्छी आती थी लेकिन उसने बहुत टाइम तक बोली नहीं था फिर उसकी इंग्लिश खराब हो गई. बिल्कुल बिल्कुल. अब जरा सुनो सुनो ये क्या लिखा हुआ है बताओ क्या लिखा हुआ है. मैंने जहां पर हाँ सही है मेरा बच्चा. बट का जो लफ्ज आता है ना उसकी मीनिंग क्या होती है कि जो आपने पहले बात करी है उससे थोड़ी सी डिफरेंट बात आएगी. अगर अगर मैं इसी के सपोर्ट करने के बारे में बात करता तो मैं बट यूज नहीं करता. मैं बोलता एंड ऑल्सो मैं यूं करके बात करता. मतलब अगर मैं उसकी दोनों एबिलिटीज को सपोर्ट कर रहा हूं कि भाई अभी तो बहुत अच्छा बोल रही है और पहले भी अच्छा बोल सकती थी तो मैं बट नहीं लगाता. मैं बोलता एंड ऑल्सो. लेकिन मेरा बच्चा बट का मतलब क्या होता है लेकिन. लेकिन अब एक बार बताओ मैंने अगर तुम मैं अच्छा एक बार बताओ मैं बोलता हूं कि यार वो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन. अब अगर मैंने लेकिन बोला है तो मुझे बताओ मैं लेकिन बोलने के बाद आपके ख्याल से उस बंदे की तारीफ करूंगा या कोई नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा. बताओ जरा मेरा बच्चा क्या लग रहा है. पॉइंट नहीं क्या हाँ समझा मेरा बच्चा. तो ये बट जो है ना मेरा बच्चा ये क्या कर रहा है ये दरअसल हमें फोर्स कर रहा है कि हम नेगेटिव लिखे उसके बारे में. हानिया बेटा क्लियर हुआ मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको. जी सर. हाँ शाबाश ठीक है. अब देखो भाई ई वाले पर आओ. देखो समीर इसमें आएगा कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस व्हेन ही वाज यंग. लेकिन देखो दोबारा बट आएगा तो क्या आ गया. जरूरी नहीं है कि नेगेटिव आएगा. लेकिन ध्यान से बट नाउ ही कैन स्पीक ओनली इंग्लिश फ्लुएंटली. याद रखना कुड और कैन आएगा. सेंटेंस समझो. सेंटेंस को समझो ठीक है. अब आ जाओ यहाँ पर. लिटिल शाहजैन डैश क्रॉल बट ही स्टिल डैश वॉक. ध्यान रखना देखो पास्ट नहीं है ठीक है. अगर सेंटेंस को समझे ना तो ये पास्ट नहीं है दोनों प्रेजेंट हैं. पहले वाले में आएगा कैन और सेकंड वाले में आएगा कांट. मतलब कि सी ए एन इधर आएगा और सी ए एन अपोस्ट्रोफी यहां पर आएगा. अब जरा यहां पर आ जाओ जी वाले में. सारा डैश एम्ब्रॉयडर एंड स्टिच क्लोज बट हर सिस्टर. बताओ पहले वाले में आएगा कैन ठीक है और दूसरे वाले में आएगा कांट. मतलब कि वो क्या कर सकती है भाई उसकी जो सारा जो है वो मतलब जो कहते हैं ना हाथों से जो डिजाइनिंग करते हैं जो कपड़े की उसे बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी वगैरह ठीक है. तो यहाँ कैन आएगा यहाँ पर आएगा कांट. अब यहाँ पर आओ. वी डैश प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्क बट वी डैश प्ले बिफोर दैट. बताओ क्या आएगा. ये तो आसान है. अच्छा एफ का दोबारा से बताऊं. रवाहा बेटा इसमें आएगा कैन इसमें आएगा कांट. कि शाहजैन जो है वो चल तो सकता है अपने घुटनों के बल लेकिन वो खड़े होके नहीं चल सकता वॉक नहीं कर सकता. रवाहा बेटा क्लियर है. जल्दी बताओ क्योंकि एक मिनट रह गया. जल्दी बताओ बेटा. रवाहा मेरा बच्चा एफ वाला समझ में आ गया. ओके अब वी अब एच वाला देखो.
वी कैन, यहां पर आएगा क्या, वी कैन प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग आवर वर्क बट वी कांट प्ले बिफोर दैट, यहां पर आएगा कैन, सी ए एन कैन, और इसमें आएगा कांट। मेरे बच्चों ये हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, जरा सुनो, एक्सरसाइज टू सॉल्व करके लेकर आओगे, खुद अपनी तरफ से सॉल्व करोगे, मैं हेल्प नहीं करूंगा। और इसके साथ साथ तुम लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज की ये वाला देख रहे हो एक्सरसाइज थ्री, एक्सरसाइज थ्री का डायलॉग ए भी करोगे और डायलॉग बी भी करोगे इसका। अरे कहां चले गए हम लोग, अल्लाह के बंदे। हाँ, एक्सरसाइज थ्री का डायलॉग ए करोगे और डायलॉग बी भी करोगे, बाकी एक्सरसाइज फोर तो तुम लोगों ने करी भी है। ये है मेरे बच्चों आपका होमवर्क एक्सरसाइज टू और थ्री का, ठीक है बेटा। अगर सब समझ में आएगा तो ऑल क्लियर लिख के भेज दो, क्लास खत्म कर रहे हैं, वरना वैसे भी खुद ब खुद